खबर ये है कि कल एमपी में उपचुनाव है, तो वहीं 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर मतदान कल है। प्रशासन ने पूरी मतदान की प्रक्रिया पूरी कर ली है। 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर मतदान कल है। वोटिंग के लिए 3,944 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 804 मतदान केंद्र संवेदनशील हैं, तो वहीं उपचुनाव में 26,48,000 मतदाता हैं। इस वक्त की अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, 26,800 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। चुनाव के लिए 16,000 जवानों की तैनाती की गई है। इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। वहीं अब खबर खंडवा से, जहां उपचुनाव के लिए वोटिंग की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा के बीच पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। सुरक्षा के लिए 21 कंपनियां तैनात की गई हैं। न्यूज 24 एमपीसीजी ने की जवानों से बात। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान होने जा रहा है, और इसके लिए सब पूरे लोकसभा की बात करें तो 21 कंपनियां बाहर से बुलाई गई हैं। देखिए, सशस्त्र बल के साथ जो तमाम फोर्स है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है, और यहाँ से जो मतदान दल रवाना हो रहे हैं उनके साथ जो हम देख पा रहे हैं फोर्स है, ये भी यहाँ पर तैयार है और ये भी यहाँ पर रवाना हो रही है। और जो पूरी सुरक्षा की बात करें, दरअसल जितने मतदान कर्मी हैं उतना ही फोर्स तैनात किया गया है, और ख़ास तौर पर EVM की सुरक्षा को लेकर चुनाव आयोग के दिशा निर्देश हैं वो मुख्य रूप से हैं। तैयार हैं आप पूरी तरह? जी बिल्कुल तैयार हैं, हम यहाँ पर चुनाव करवाने आए हैं। हाँ। और निर्वाचन में किसी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो और जनता की सुरक्षा और मतदान नियमित रूप से चलता रहे, और जल्दी से जल्दी मतलब मतदान करा के हम लोग यहाँ से जाएं और मतदान अच्छी तरीके से हो जाए। देखिए, जनता की सुरक्षा भी है और मतदान में किसी तरह का खलल ना पड़े, महती जिम्मेदारी आपके कंधों पर है अब तो। हाँ, हम लोग भी है, और हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो मतदान केंद्र है उस पर कोई उत्पत्ति ना हो और अच्छे से मतदान हो, हमें यही सिखा के भेजा गया है, और हमारा यही कर्तव्य है कि हमारा मतदान क्रमांक पर 1 नंबर से मतदान। कहाँ से हैं आप? हम लोग बालाघाट से हैं। बालाघाट से हैं, 36 BN, वहाँ से हम लोग को बुलाया गया। बालाघाट की टीम भी यहाँ पर पहुंची है, काफी ट्रेंड है, और जो दिशा निर्देश हैं वो साफ तौर पर आप देख पा रहे हैं, पूरी तरह से तैयार हैं। आप भी तैयार हैं? जी हाँ बिल्कुल। निष्पक्ष मतदान ये पहली प्राथमिकता है निर्वाचन आयोग? नहीं, ये मेरी दूसरी है, और हमने इससे पहले रीवा में करवाए हैं, वहाँ सुरक्षा के साथ साथ व्यवस्था भी बहुत अच्छी की गई थी, और वो चीज़ें उम्मीद है कि यहाँ भी वैसी ही अच्छा। रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी होती है, देखिए एक दिन पहले से आपको पूरा मोर्चा संभालना है, जब तक कि मतदान की जो मतदान पेटी है EVM है, जब तक कि जमा नहीं हो जाती तब तक आपको तब तक मुस्तैद रहना पड़ता है, और ये हमारी ऑन ड्यूटी ये तब तक चलते रहती है जब तक पेटियाँ यहाँ पर जमा ना हो जाए, उसके बाद हम लोग ही फ्री हो पाते हैं। ये लगभग ये चलता रहेगा वोट के दूसरे दिन, जब तक यहाँ पे पेटियाँ ना जमा हो जाएँ। देखिए, पूरी तरह से ट्रेंड है, और जो जिम्मेदारी है इनकी जिम्मेदारी यह है कि किसी तरह का मतदान में खलल उत्पन्न ना हो, निष्पक्ष मतदान हो, इसके साथ ही EVM यहाँ से ले जाने के साथ जब तक EVM जमा नहीं हो जाती तब तक ये जो फोर्स है ये अपनी महती ड्यूटी निभाएगी, और फिलहाल हम देख पा रहे हैं कि यहाँ से तमाम जो मतदान दल है रवाना शुरू हो गए हैं, और जो मुख्य रूप से निर्वाचन आयोग ने फोकस किया है वो सुरक्षा पर किया है। कैमरामैन राघवेंद्र पांडे के साथ राकेश चतुर्वेदी, News 24 खंडवा। उपचुनाव के जायजा लेने के लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। खंडवा से राकेश चतुर्वेदी, निवाड़ी से कर्ण मिश्रा, और तो वहीं अलीराजपुर से हेमंत शर्मा जुड़ गए हैं। सारी उपचुनाव की अपडेट हमारे सहयोगी ने लगातार दी है, और कल उपचुनाव की तारीखें पास आ गई हैं, तो हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं हमसे। तो ये बताइए राकेश जी, अब तैयारियां पूरी कर ली गई हैं क्योंकि कल उपचुनाव है, तो फाइनली उपचुनाव आ चुका है और तैयारियां पूरी कर ली गई हैं? देखिए बिल्कुल, तैयारियां पूरी हो गई है, और हम जिस जगह मौजूद हैं यहां से देखिए आप EVM VVPAT ये जो मशीनरी है, चुनाव सामग्री है, ये अब रवाना यहां से शुरू हो गई है। तैयारी पूरी हो गई है? तैयारी पूरी हो गई है निष्पक्ष मतदान की। निष्पक्ष मतदान
क्या क्या लग रहा है, दिशा निर्देश क्या है? निष्पक्ष मतदान करें, मतदाता जागरूक होकर करें। देखिए आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, ये जो पोलिंग पार्टीज हैं अब यहाँ से रवाना शुरू हो गई हैं। सब ट्रेनिंग भी पूरी हो गई आपकी? हाँ पूरी हो गई सर, पूरी हो गई हमारी तैयारी पूरी। जी सर। आप रवानगी बस? अभी नहीं सर, अभी। तो देखिए आप ये साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि यहाँ से जो पोलिंग पार्टीज हैं ये रवाना शुरू हो गई हैं। दरअसल हम पूरे खंडवा सीट की बात कर रहे हैं। देखिए एक और मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा, खंडवा लोकसभा में जो कि 19,59,000 से अधिक मतदाता हैं और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो चुनाव सामग्री है उसका यहाँ पर वितरण चल रहा है। जो पूरे खंडवा लोकसभा है उसके 8 विधानसभाएं आती है और खंडवा लोकल में बात करें तो 3 जो विधानसभाएं हैं वहाँ की जो चुनाव सामग्री का यहाँ से वितरण चल रहा है। आज तमाम जो पार्टीज हैं पोलिंग बूथ पर पहुँच जाएंगी और कल सुबह 6 बजे मॉकड्रिल होगा और उसके बाद जो है मतदान शुरू होगा। साहब क्या बड़ी बारीकी नज़र रख रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल बारीकी से। क्या निर्देश क्या है? निर्देश है कि कोई भी सामग्री वितरण करना है तो उसको मिलान करके पहले प्रॉपर तरीके से है ना, फिर वितरित करना है। मिलान जरूरी है। हाँ बिल्कुल, मशीन नंबर्स, वीवीपैट नंबर्स बिल्कुल मिलान कर। अब क्या पोलिंग पार्टी रवाना शुरू हो जाएंगी? नहीं अभी नहीं, पहले वो लोग वहाँ बैठ के मिलान करेंगे। हाँ। उसके बाद जी राकेश जी, जी राकेश जी जो है मॉक पोल 90 मिनट पहले हो। आप बने रहिए, इसलिए मेरे और मेरे साथ इस समय पृथ्वीपुर से कर्ण मिश्रा जुड़े हुए हैं, उनसे जानेंगे कि इस समय पृथ्वीपुर में क्या हालात हैं, कैसी तैयारियां हैं। कर्ण मिश्रा, हमने खंडवा में तो जान लिया कि कैसी तैयारियां चल रही हैं, तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं, अब इस समय पृथ्वीपुर में कैसे हालात हैं, तैयारियां कितनी पूरी हो चुकी हैं? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से निवाड़ी में पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है क्योंकि कल पृथ्वीपुर विधानसभा सीट का उपचुनाव होने जा रहा है, ऐसे में 1528 जो पोलिंग कर्मी हैं उनको इस पूरी व्यवस्था में लगाया गया है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि टेबलों पर ही जो मतदान कर्मी हैं उनको सामग्री जो है वो दी जा रही है। सामग्री में उसमें स्टैम्प पैड हैं, डायरीज हैं जो उनको पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा, ये तमाम व्यवस्थाएं जो हैं वो टेबल पर की गई हैं। सबसे खास बात यह है कि जिस तरह से अभी ये सामग्री का वितरण किया जा रहा है किट का, इसके कुछ देर बाद ही ईवीएम का वितरण भी शुरू किया जाएगा। हमारे साथ मतदान कर्मी हैं, हम उनसे ही सीधे रूबरू होते हैं। सर किस तरह से सामग्री का वितरण आप लोगों को किया जा रहा है टेबलों पर ही? हाँ टेबलों पर दिया जा रहा है, मिलान कर रहे हैं उसका। क्या क्या दिया जा रहा है इसमें आपको? सामान है उसी थैली में है सब कुछ, अब उसको मिलान कर रहे हैं अभी। सर इसमें कपड़े की थैली है, क्या क्या है कपड़े की थैली? प्रारूप 17 का मतदाता रजिस्टर है, मतलब जो चुनाव की निर्वाचन की जो सामग्री है वो सारी है। उसमें अगर कुछ मिलान करने के बाद कम पड़ती है तो आप हम सूचित करेंगे अधिकारी को। रवानगी की स्थिति कैसे रहने वाली है आप लोगों की? अब रवानगी तो सर बाद में पता चलेगा, जो है बस से जाएंगे, जिससे जिस शासन भेजेगा उससे जाएंगे। बिल्कुल, बसों के माध्यम से भेजने की पूरी तैयारी की जा रही है और जिस तरह से अभी तक जो जानकारी सामने कर आई है कि लगभग 429 जो है CU, 429 VU और 429 VVPAT का उपयोग जो है वो किया जाएगा। 306 मतदान केंद्र बनाए गए हैं जिसमें लगभग 1,98,542 मतदाता जो है वो अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। सबसे इसमें जो अभी ये जानकारी अभी तक आगे जो अधिकारी हैं उनके माध्यम से बताया गया है कि 50% जो मतदान केंद्र हैं उन पर वेबकास्टिंग की जाएगी। चूंकि जी कर्ण मिश्रा आप हमारे साथ बने रहिए, इसी बीच हेमंत शर्मा जॉबर्ट से हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेमंत शर्मा ये बताइए कि सुरक्षा को लेकर क्या क्या तैयारी की गई है? हाँ देखिए, सुरक्षा को लेकर यहाँ पर जो कंपनियाँ हैं पैरा मेडिकल फोर्स की वो पहुँच चुकी हैं और मैं अभी फिलहाल जहाँ पर मौजूद ये मतदान वितरण सामग्री केंद्र यहाँ पर बनाया गया है जहाँ से मतदान के लिए सामग्री का वितरण किया जा रहा है। यहाँ पर सेक्टर वाइज बोर्ड लगाए हुए हैं, अलग अलग सेक्टर्स के लोग जो हैं वो यहाँ से अपनी अपनी सामग्रियाँ लेंगे और सामग्रियाँ यहाँ पर वितरित शुरू हो गई हैं। फिलहाल सामग्रियों को देखने कर चेक करने का काम जो है वो अब यहाँ पर टीमें कर रही हैं, अपनी अपनी सामग्रियाँ जो हैं वो
यहाँ पर लोग ले चुके हैं, आपके पास में सामग्री पहुँच गई? जी सर पहुँच गई। अब क्या क्या आप इसमें चेक कर रहे हैं, क्या क्या सर? ये जो टोटल प्रारूप दिए गए हैं वो सूची से मिलान कर रहे हैं, और जो सामग्री लिफाफे वगैरह दिए गए उसको मिलान कर रहे हैं, और इसके बाद अभी BU CU VVPAT देंगे उसको मिलान करेंगे। एक पोलिंग बूथ पर कितने लोग वैसे मतदान कर्मचारी? 4 होते हैं सर, PO को मिला के P1, P2 और P3। तो 4 मतदान कर्मी यहाँ पर मौजूद रहेंगे, इनके साथ साथ पैरामेडिकल फोर्स का एक एक जवान मौजूद रहेगा। जोबट की अगर बात किया तो जोबट में 417 जो है वो मतदान केंद्र बनाए गए हैं, और जो संवेदनशील मतदान केंद्र हैं उनको सीसीटीवी से भी उन केंद्रों की नजर रखी जाएगी। इसी बीच वैगांव से कुमार इंदर मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। कुमार इंदर, कल उपचुनाव है तो क्या तस्वीर दिखाई दे रही है गांव में? देखिए रैगांव का जो रण है वो पूरी तरह सज चुका है, बस अब इंतजार है कि सब 30 तारीख की वो सुबह शुरू हो और जनता जनार्दन अधिकार का इस्तेमाल करे। मैं इस वक्त देखिए सतना जिले के जो बैंकेट स्थित है वहाँ पर मौजूद हूँ, और यहीं से जो है वोटिंग सामग्री का जो है वितरण होना है। सारे तमाम कर्मचारी जो है वो पहुँच चुके हैं, उन 313 मतदान स्थल पर अपनी अपनी ड्यूटी तैनात करने के लिए सामग्री का यहाँ 8 बजे से सामग्री वितरण शुरू हो चुका है। लिहाजा एक एक करके जो है अधिकारियों को कर्मचारियों को वो सामान देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरह से यहाँ पर पूरा एक व्यवस्था की गई है, लगाई गई है पहुँच चुके हैं, और अधिकारियों की तमाम जिनकी ड्यूटी मतदान स्थल पर लगाई गई है वो पहुंच चुके हैं, और अपनी अपनी जिम्मेदारी के साथ जो ड्यूटी निभाना है वो सारा सामान उनको दिया जा रहा है। VVPAT है, EVM मशीनें हैं, सैनिटाइजर है, PPE किट है, क्योंकि इस बार कोरोना काल चल रहा है, संक्रमण के दौर में ये चुनाव हो रहा है, तो लिहाजा कर्मचारियों की इस बार ड्यूटी ज़्यादा बढ़ गई है, थोड़ा सा रिस्क है, सैनिटाइजर लगाना है, मास्क लेना है, किट लेना है, इन तमाम तरीके की व्यवस्था करी गई है, और उन्हीं व्यवस्थाओं को संभालने के लिए कर्मचारी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। मैं बात करूँगा कि लोकतंत्र में आप लोग की एक जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है कि निष्पक्ष तरीके से और अच्छे तरीके से चुनाव कराना। आप यहाँ पहुँचे, कहाँ से आए हैं आप? जी हमारा विद्यालय पदस्थ शासकीय हाई स्कूल सिविल लाइन सतना, और निवास है बरदा डी शुक्ला। अभी हमारी ड्यूटी है P2 मतदान अधिकारी क्रमांक 2 में, तो सुबह 6 बजे हम उपस्थित हो गए हैं, और रिजर्व दल में हैं, तो अभी हमको निश्चित स्थान नहीं बताया गया कि आपको कहाँ जाना है, लेकिन पूरे टाइम तक जब तक चुनाव सामग्री वितरण के बाद और चुनाव समाप्त नहीं हुआ जब तक हमको यहाँ पूरे तन्मयता के साथ और पूरी जिम्मेदारी के साथ यहाँ पर उपस्थित रहना है, और हम बिल्कुल तत्पर हैं, हम उत्सुक हैं कि हमको चुनाव ड्यूटी में भेजा जाए, तो हम उसके लिए पूरी तरह से तैयारी करके तैयार हैं। जी जी बिल्कुल। मैं लोगों से बात करूँगा, आप कहाँ से आए हैं? बड़ी महती जिम्मेदारी होती है चुनाव कराना निष्पक्ष तरीके से। मैं सतना से आया हूँ, नाम है मेरा KG द्विवेदी, मैं पीठासीन अधिकारी हूँ। मदनी में जाना है मुझे और अपनी टीम के साथ जा रहा हूँ, और जो निर्वाचन प्रक्रिया है प्रशिक्षण प्राप्त करके अभी नया आदेश प्राप्त कर लिया, इसके बाद अपनी टीम को साथ में लेकर सामग्री प्राप्त करूंगा और वहां निष्पक्ष निर्वाचन में। हेमंत शर्मा, राकेश चतुर्वेदी और कुमार इंदर हमें तमाम जानकारी देने के लिए। अब कल उपचुनाव है, देखना यह है कि उपचुनाव में जनता का मूड क्या है। 2 तारीख को नतीजे आने वाले हैं, तो वही डिसाइड करेगा, जनता डिसाइड करेगी कि कांग्रेस लाएगी या BJP।